ट्रेडिंग करना तो चाहते हैं पर नहीं पता कैसे करें शुरुआत। बैंकिंग से लेकर कमोडिटी तक, ग्रामीण सरकारी योजनाओं से लेकर सब्सिडी तक, इन तमाम जानकारियों पर देखिए हमारा प्रोग्राम डिजिटल किसान हर रविवार शाम 7 बजे और पुनः प्रसारण मंगलवार शाम 4 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। प्रोफाइल्स देखो फिर मिलो, टू मच टेंशन। शादी लाए एक नया रेवोल्यूशन, 1 घंटे में 10 मुलाकातें, अब shaadi.com पर होंगी जरूरी बातें। डाउनलोड नाउ। आपने देखा कि राज, इरफान और बाकी दोस्त जो सिर्फ एग्जाम से बचने के लिए थिएटर प्ले में पार्टिसिपेट करना चाह रहे थे, अब धीरे धीरे इस मौजू के रंग में घुलते जा रहे हैं। वो सबीना को 5 मुजाहिदे आजादी पर नोट्स लिखकर देते हैं, उधर जमील दूसरे कॉलेज में इसी मौजू पर हुए प्ले की स्क्रिप्ट लेकर आता है। पर मुश्ताक को जब ये पता चलता है कि इस स्क्रिप्ट को अवार्ड मिला है तो वो फिर ये स्क्रिप्ट सबीना मैडम को नहीं देता, बल्कि वो कॉलेज के प्रेसिडेंट के पास मदद के लिए जाता है। कॉलेज का प्रेसिडेंट सबीना पर राज वगैरह की मदद का इल्जाम लगाता है तो प्रिंसिपल ये फैसला करते हैं कि अब ये फैसला पूरे कॉलेज के सामने होगा कि दोनों टीमों में से किसको जानकारी ज्यादा है और कौन प्ले करने का हकदार है, और ये फैसला होगा क्विज के जरिए। उधर प्रेसिडेंट जफर सनी, इरफान और राज को पिटवा देता है ताकि वो लोग क्विज कंपटीशन में आ ही ना पाएं। उधर जेबा राज को बताती है कि उन पर हमला कॉलेज यूनियन के प्रेसिडेंट ने करवाया था। आइए अब देखते हैं कारवाने आजादी की 8वीं किस्त। देखो, डिफरेंसेस किसी भी बात को लेकर हो सकते हैं, लेकिन हमने कभी सोचा भी नहीं था कि I'm really sorry guys. All of us are really sorry. ज़ेबा, नफरत दिल में रख कर तो जिंदगी वैसे भी नहीं बिताई जा सकती, और अब तुमने ये खुलासा कर ही दिया है तो हमारे मन में अब कोई मलाल नहीं। All of us are really sorry. ओ, कोई गल नहीं, चल भूल जा। अब हमारे दिल में कोई शिकवा शिकायत नहीं। मेरे ख्याल से वक्त हो चला है, अब हमें चलना चाहिए। चलो अब चलना चाहिए। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। अब चलना चाहिए। यौमे आज़ादी के मौके से पहले हमने एक सवाल जवाब का कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया है। इस क्विज कंपटीशन में कुल 4 राउंड होंगे। पहला राउंड रैपिड फायर राउंड होगा, जिसमें दोनों टीम से 5-5 सवाल पूछे जाएंगे।
हर सवाल के 5 नंबर होंगे, हर सवाल का जवाब सिर्फ 5 सेकंड में देना होगा। जी हाँ, तभी इसका नाम है रैपिड फायर राउंड। इस क्विज कंपटीशन का दूसरा राउंड होगा बजर राउंड। सवाल पूछने के बाद जो पहले बजर दबाएगा वो जवाब पहले दे पाएगा। हर सवाल के 5-5 नंबर होंगे। इस राउंड में भी कुल 10 सवाल पूछे जाएंगे। इस वक्फे के बाद तीसरा राउंड होगा ऑप्शन राउंड। ये राउंड बड़ा दिलचस्प राउंड होगा। इस राउंड में भी 5-5 सवाल पूछे जाएंगे दोनों टीमों से। इस राउंड में सवालों के साथ जवाब भी दिए होंगे। जैसा कि आप जानते हैं ये ऑप्शन राउंड है, इसलिए आपके पास हर सवाल के लिए 4 ऑप्शन होंगे जिनमें से आपको एक सही जवाब ढूंढना होगा। हर ठीक जवाब के 5 नंबर होंगे। और चौथा और आखिरी राउंड है फाइनल राउंड, जिसमें जवाब कम लफ्जों में तफसील के साथ बताना होगा। जी हाँ, यानी कम लफ्जों में बड़ी बात और बड़ी बात के नंबर भी ज्यादा, यानी 10 नंबर होंगे हर ठीक जवाब के। तो आइए पहला राउंड शुरू करते हैं। रैपिड फायर राउंड पहले शुरू करते हैं टीम ए से, यानी राज और उसके दोस्तों से। रैपिड फायर राउंड का पहला सवाल, टीम ए, प्लासी की पहली लड़ाई जो 1757 में लड़ी गई, अंग्रेजों ने किसके खिलाफ लड़ी, नाम बताएं। बंगाल के सिराजुद्दौला के खिलाफ। सही जवाब। आपके खाते में ये गए पहले 5 नंबर। दूसरा सवाल, हिंदुस्तान में अंग्रेजी हुकूमत की पहली राजधानी कौन सी थी। ओ जी बंगाल। बंगाल तो सूबे का नाम है। सही जवाब है कलकत्ता, मगर नंबर दिए जा सकते हैं। आप सामईन की क्या राय है? नहीं नहीं देने चाहिए नंबर, गलत जवाब था, नंबर नहीं देना चाहिए इन्हें। अंग्रेजों को हिंदुस्तान में तिजारत करने की मंजूरी हिंदुस्तान के किस बादशाह ने दी थी। बादशाह जहांगीर ने। दुरुस्त जवाब। अब आपकी टीम के नंबर हो गए 10। चौथा सवाल, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लगाया था। मैम नहीं पता। गलत जवाब। पांचवा और आखिरी सवाल, 1921 में ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस कहां मुनक्कद हुई थी। कराची में। दुरुस्त जवाब। टीम ए का अब तक का स्कोर है 15 नंबर। और अब बारी है टीम बी की। सामईन दिल थाम के बैठिए, देखें इन दोनों टीमों में कौन अव्वल आता है। तो टीम बी तैयार है? हाँ, तो टीम बी के लिए पहला सवाल है, जलियांवाला बाग का कत्लेआम कब हुआ।
1919 में। ठीक, बिल्कुल ठीक। तो लीजिए जनाब, टीम बी के हो गए 5 नंबर। टीम बी, दूसरा सवाल, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब बनी? में। दुरुस्त। सामईन, टीम बी के हो गए हैं 10 नंबर। टीम बी, आपके लिए यह सवाल फैसले का है। इसका जवाब आता है तो आप बराबर हो जाते हैं टीम ए के। तो दिल थाम के बैठिए सामईन, इस दौर का अहम सवाल। टीम बी, सवाल हाजिर है, तहजीबुल अखलाक नाम के रिसाले के जरिए प्रोग्रेसिव सोशलिस्ट आइडिया किसने प्रोपोगेट किए? सर सैयद अहमद खान ने। वाह, क्या बात है। अब दोनों टीमें बराबरी पर चल रही हैं। दोनों टीमों के नंबर हो गए हैं 15। टीम बी, अब आप बराबर पहुंच चुके हैं। तो अगला सवाल, किस मुस्लिम लीडर ने हिंदुस्तान के बंटवारे को एन एक्ट ऑफ ट्रेचरी कहा था? खान अब्दुल गफार खान ने कहा था। बहुत खूब, टीम बी 20 नंबर लेकर आगे बढ़ गई है। और अब है इस दौर का आखिरी सवाल, डॉक्टर जाकिर हुसैन किस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने? जामिया मिलिया। गुड, वेरी गुड, सभी सवालों के सही जवाब, और टीम भी बन गई है नंबर 1 टीम। तो आइए अब शुरू करते हैं दूसरा राउंड, बजर राउंड। इसमें 10 सवाल पूछे जाएंगे, जिस टीम के पार्टिसिपेंट जितने नंबर लेंगे उतने नंबर उस टीम को मिलेंगे। शुरू करते हैं बजर राउंड। दोनों टीमें तैयार हैं। तो पहला सवाल, साउथ इंडिया में किस स्टेट ने 1857 की क्रांति में हिस्सा लिया? और पहला बजर दबाया टीम बी ने। हाँ विवेक, हैदराबाद। बिल्कुल ठीक।
अगला सवाल है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? इस बार बजर राज ने दबाया है। हाँ बोलो। बाल गंगाधर तिलक ने। सही जवाब। तो इस राउंड में दोनों टीमों ने 5-5 नंबर ले लिए हैं। आइए अगले सवाल पर। अगला सवाल है, किसके बारे में कहा गया है कि वह कर्नल क्लाइव का कुत्ता है? हाँ विवेक बोलो। वीर जाफर। सही जवाब। अगला सवाल, ५८५७ के गदर को किस क्लास के लोगों ने सपोर्ट नहीं किया? हाँ बोलो मुश्ताक। नई मिडिल क्लास ने। सही जवाब। अगला सवाल, प्रदेश में पंडितों और मौलवियों ने मिलकर 1857 की लड़ाई में हिस्सा लिया। हाँ बोलो मुश्ताक। बिहार। दुरुस्त। अगला सवाल, १८५७ के गदर के बाद, दिल्ली को हथियाने के बाद अंग्रेजों का सबसे बड़ा जालिमाना काम क्या था? इरफान। बहादुर शाह के तीन बेटों को नजदीक से गोली मारना। दुरुस्त। हाँ तो अगला सवाल, तात्या टोपे का असली नाम क्या था? रामचंद्रा पांडुरंग। बिल्कुल ठीक जवाब सनी। अगला सवाल, ¶¶
लाल कुर्ती मूवमेंट किसने चलाई? हाँ बोलो। महात्मा गांधी के सत्याग्रह से मुतासिर होकर खान अब्दुल गफार खान ने भी एक मुहिम चलाई जिसका मकसद एक यूनाइटेड आजाद सेक्युलर हिंदुस्तान बनाना था। इसे हासिल करने के लिए उन्होंने खुदाई खिदमतगार इरादा बनाया। खुदाई खिदमतगार यानी खुदा के बंदों की खिदमत वाले, जिनका लिकर सुर्ख होता था और अंग्रेजी में जिन्हें रेड शर्ट कहते थे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अब दोनों टीमें बराबरी पर चल रही हैं, तो दिल थाम के बैठिए सामईन, इस दौर का अहम सवाल। अगला सवाल, अठारह में हिंदुस्तानी फौजियों की तादाद कितनी थी? और पहला बजर दबाया टीम बी ने। 2,57,000। बिल्कुल ठीक। और अब है इस दौर का आखिरी सवाल। अठारह का गदर शुरू होने का किस्सा कौन बताएगा? हाँ विवेक। 24 अप्रैल 1857 को मेरठ की थर्ड लाइट कैवलरी के 85 फौजियों ने नई कार्टरेज को इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। इस बात पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उनका कोर्ट मार्शल हुआ और उन्हें 10 साल की सजा सुनाई गई। 9 मई 1857 को मेरठ के परेड ग्राउंड पर उनकी वर्दी उतार ली गई, उनकी बहुत बेइज्जती की गई और उन्हें जेल में डाल दिया गया। इसके जवाब में 10 मई 1857 को हिंदुस्तानी फौजियों ने जेल खोलकर अपने सिपाहियों को आज़ाद करवाया और अंग्रेज अफसरों पर हल्ला बोल दिया। बिल्कुल ठीक। इस जवाब के साथ ही दूसरा राउंड खत्म हुआ और अब तीसरे राउंड से पहले हम एक ब्रेक लेंगे, मगर ब्रेक से पहले ये जान लें कि टीम ए और टीम बी का स्कोर क्या हुआ। टीम ए का स्कोर है 20 नंबर और टीम बी का 30, और अब तक का कुल मिलाकर स्कोर बनता है टीम ए 35, टीम बी 55। भाई फेल होने के डर से और क्या, हार गए, बस अब प्ले भी गया हाथ से, अब एग्जाम भी देना पड़ेगा। यार एक तो मेरी टांग टूटी है और तुम लोग रो रो कर दिखा रहे हो। यार कल तक ना तुम लोग मेरे साथ थे जब तक ये था कि हम लोग ऐश करेंगे, मस्ती करेंगे अगस्त तक, जब तक पूरे एक साल की छुट्टी थी, अगस्त तक के मजे लेने थे, घूमने जाना था, गोवा जाना था, तब तक तो सब कुछ ठीक था। अब दिक्कत आई तो चूहों की तरह भाग पड़े।
ये इसी इरफान का प्लान था, एडवेंचर। हाँ, जो अब मिस एडवेंचर हो गया है। हिना, ये कोई मिस एडवेंचर नहीं है, ये एडवेंचर तुम जिंदगी भर याद रखोगे। ये जो हमारे पिछले कुछ दिन बीते हैं, ये दिन हम जिंदगी में कभी भूल नहीं पाएंगे। और मारिया, मुझे नाज है कि ये मेरा प्लान था, और मुझे इतने शानदार एक्सपीरियंसेस हुए हैं, इतना कुछ जानने को मिला है, इतना कुछ सीखा है मैंने इन दिनों में, इतना कुछ देखा है, जिंदगी भर याद रखूंगा मैं ये सब। मैं सोचता हूँ ये सचमुच एडवेंचर ही था, और सक्सेसफुल भी। क्या कह रहे हो राज? कई बार राज भी बड़ी दूर की खोड़ी लाता है। वो मतलब क्या है तेरा, इसे सक्सेसफुल क्यों कह रहा है? इस कंपटीशन ने हमें कम से कम इतना तो बता दिया कि हमारे अंदर इतनी कुवत है कि इन तीन दिनों में अगर हम आजादी की लड़ाई के बारे में जान सकते हैं, तो अगर हम हिम्मत करें तो हम चार दिनों में ऑप्शनल पेपर भी तैयार कर सकते हैं। बस जज्बा चाहिए लड़ने का। राज ने ठीक कहा। देखो, हम तीन दिन के अंदर आधी मॉडर्न हिस्ट्री तो जान ही गए हैं, है कि नहीं? ओ यार, मगर क्विज तो हम हार जाएंगे। नहीं, उसका गम बिल्कुल नहीं है मुझे। एक बात समझो, देखो जिंदगी ये नहीं होती कि हम कितने ज्यादा दिन जिए, जिंदगी तो वो होती है कि जितनी भी जिंदगी हमें मिली हम उसमें कितना जिए। खुदीराम बोस याद है? प्रोफेसर अलवी ने खुदीराम बोस के बारे में बताया था, याद है? 19 साल की उम्र में उसे फांसी दे दी गई थी, पर आज भी हम उसके बारे में बात करते हैं कि कितनी बड़ी जिंदगी थी उसकी। तो जिंदगी कितनी लंबी है ये मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि जिंदगी कितनी बड़ी है। आज कोई शुरू होने के पहले मुश्ताक और जमील वगैरह के एटीट्यूड से मैं समझता हूँ कि वो अच्छे लोग हैं। ओ यार, मगर क्विज तो। अरे एक क्विज हारने से क्या हो जाएगा जिंदगी में, लाइफ के अंदर ये सब कुछ मैटर नहीं करेगा। मैटर तो ये करेगा जो वक्त हमारे पास था, उस वक्त में हमने अपनी जिंदगी के साथ क्या किया। और अब मुश्ताक और जमील से बात करने के बाद इस क्विज में हारने का मुझे कोई गम नहीं। फिर मिलो, टू मच टेंशन। शादी लाइफ एक नया रेवोल्यूशन, एक घंटे में 10 मुलाकातें, अब शादी.com पर होंगी जरूरी बातें। डाउनलोड नाउ। दोस्तों,